अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। तो बजा है सात और लेकर के आ गया हूँ ट्रेनिंग मटेरियल SSC का लाइव टेस्ट सीरीज PDF नंबर 24 एंड 25 का। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि 7 बजे शाम में आप लोग को ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा करें। ये लाइव टेस्ट सीरीज हो गया 13, है ना। वीडियो को शेयर कर दिया करें। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल पर जाएं। चैनल पर जाने के बाद चैनल के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बात कर लेटेस्ट अपडेट की, तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको BTSC PRD और LRC का ग्रुप लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर दीजिए। और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के लिए आप WSBCC क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए जॉब अलर्ट 24/7 का को ज्वाइन कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो लोग एक भी वीडियो नहीं देखे तो वहां से सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं बारी बारी से। चाहे वो अभी टेक्निकल मैनुअल का टोटल मैंने डाल दिया और SSC का डाल दिया टोटल। अब यहाँ पर SSC का नेक्स्ट कल के डेट में ये पूरा हो ही जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर के जो लोग एक भी नहीं देखे हैं। तो यहाँ से आते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट अपडेट में बस कुछ नहीं, बस यही सारा अभी अपडेट है, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अपडेट है। तो आइए चलते हैं पहले वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से देखिए, अभी जो PDF हो रहा है, ट्रेनिंग सेक्शन पर आना है आपको। कैसे आना है तो हर एक वीडियो में मैं बताते आ रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पर आने के बाद ट्रेनिंग सेक्शन पर चले आना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर जो अभी जो PDF होने वाला है, PDF नंबर होने वाला है 24 एंड 25 होने वाला है। इसके बाद आपको 26 और 27 को देख लेना है ना। उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कानूनगो या तो ASO का स्टार्ट कर दूंगा, है ना। बट आप लोग देखा करें, इतने महीने से वीडियो में बनाता हूँ, आप लोग देखते नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेने से पहले वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से है ना हमें खुशी ज़्यादा मिलती है और आपको हमारे वीडियो से काफ़ी फायदा मिलती है। तो जरूर से जरूर लाइक कर लिया करें। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लंबा लंबा होगा लेकिन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, नियम से ज्यादा क्वेश्चन है ना। बिहार कार्यपालिका नियमावली के कौन से नियम के तहत नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची 3 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिन मामलों में अंतिम निर्णय मंत्री परिषद के अनुमोदन से लिया जाना है। तो इसका आंसर आप लोग को करना है फटाफट। तो एक का आंसर जो लोग बी कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC है ना, नियमावली 1957 के कौन से विनियम के प्रावधानों के आलोक में सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारियों के स्तर से अनुशासित है ना मामलों के आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। तो 2 का आंसर कीजिए, 2 का आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना, विनियम 11(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदेशों के संसूचन की प्रक्रिया के संबंध में कौन से नियम में प्रावधान किया गया है। तो 3 का आंसर आप लोगों को करना है, जो इसका आंसर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्रावधान बिहार पेंशन नियमावली 1950 के कौन से नियम में है। तो इसका आंसर आप लोग को करना है कौन से नियम में होगा। तो 4 का आंसर जो लोग बी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, 43 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है क्वेश्चन कि कौन से नियम के अंतर्गत कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। तो 5 का आंसर जो लोग सी कर रहे हैं आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं, नियम 43 का ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार पेंशन नियमावली के कौन से नियम में सर्विस के जो है अथोरली थ्रोली है ना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहने तथा गंभीर कदाचार के कारण पेंशन पुनरीक्षण का प्रावधान है। तो 6 का आंसर कीजिए और इसका आंसर जो लोग बी करें बिल्कुल सही करें, 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार पेंशन नियमावली के कौन से नियम में सरकार द्वारा किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के पूर्ण है ना पेंशन अथवा उसके किसी अंश को रोकने अथवा उसकी वसूली किए जाने की प्रावधान किया गया है। 7 का आंसर कीजिए, 7 का आंसर जो लोग सी करें बिल्कुल सही करें, नियम 43 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु दंड यानी कि माइनर प्लेंटी हो जाएगा के अधिरोपण की प्रक्रिया कौन से नियम में दी हुई है। तो एट का आंसर कीजिए। एट का आंसर जो लोग बी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया है ना जो अपनाई जाती है वो कौन से नियम के अंतर्गत अपनाई जाती है। तो इसका आंसर आप लोग को करना है फटाक से। नाइन का आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, नियम नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन कि कौन से नियम में किसी मामले में दो या अधिक सरकारी सेवकों के आरोपित रहने का सम्मिलित कार्यवाही किए जाने का प्रावधान किया गया है। आंसर करें आप लोग है ना, फटाफट आंसर करें। तो 10 का आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नियम के अनुसार कोई सरकारी सेवक उसके विरुद्ध निर्गत निलंबन आदेश या दंडादेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। तो 11 का आंसर आप लोगों को करना है, और 11 का आंसर जो लोग डी कर रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं, नियम नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके स्क्रीन पर, 23 तो हो गया इसका, कि अपील कौन से नियम के अनुसार निलंबन आदेश के प्रति संबंधित सरकारी सेवक को दे दिए जाने की तिथि से 45 दिनों के अंदर की जा सकती है। तो भाई मेरे इसका आंसर आप लोगों को करना है, फटाफट आंसर कीजिए। 12 नंबर का आंसर आप लोगों को करना है, नियम आपके सामने है 23, 24, 25, 26। तो इसका आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि कौन से नियम के अनुसार सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है बल्कि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी यानी कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। तो आप कौन से नियम को टिक कीजिएगा, आंसर कीजिए, नियम 20, 24(1), 24(2), 24(3। इसका आंसर आप लोगों को करना है फटाक से। तो इसका आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, 24(2) हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है क्वेश्चन कि पुनरीक्षण के लिए समय सीमा कितना है, 2 माह, 3 माह, 6 माह, 12 माह। इसका आंसर आप लोग को करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर कर दीजिएगा। तो 14 का आंसर जो लोग सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंडादेश को क्या जो है किया जा सकता है ना, कंफर्म किया जा सकता है, रिडक्शन किया जा सकता है, एनहांसमेंट किया जा सकता है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, क्या आपको सही लग रहा है, इसका आंसर आप लोग कीजिए, फटाक से कीजिए इसका आंसर। क्या संपुष्ट, कमी, बढ़ोतरी, उपयुक्त सभी। चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने किया इसका आंसर, जो लोग भी डी आंसर किए हैं बहुत ही अच्छा आंसर किए हैं आप लोगों ने। चलिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें बहुत सारे लोग जो ही लोग देखे थे उसका आंसर किए थे, अच्छा आंसर किए थे, सही आंसर किए थे। तो वो क्वेश्चन क्या है देखिए आपके स्क्रीन पर है, और उसका आंसर क्या होगा मैं अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन रहा आपका कि पिछले प्रश्न का उत्तर है ना कि अनुशासित प्राधिकार की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है। तो इसका आंसर जो लोग भी है ना, जो लोग भी आंसर किए थे इसका कमेंट बॉक्स में, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर किए थे, नियम 2(j), 100 और 110% सही आंसर है। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए, और इसके बाद अगले दिन जो वीडियो आएगा आपका लास्ट हो जाएगा SSC का। तो जो लोग भाई मेरे एक भी वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए कि कौन से समूह के अनुशासित प्राधिकार मुख्यमंत्री होंगे यानी होते हैं, क, ख, ग, घ, इस चारों में से कौन आपको सही लग रहा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर कीजिए है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पर आप लोगों को मालूम है सिविल सेवा के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया गया है कर्मियों का है ना, सरकारी सेवकों का, वो क, ख, ग, घ में वर्गीकृत किया गया है, ये पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखा। तो आप जरूर से जरूर भाई मेरे इसका आंसर किया कीजिए। और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कराया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। टेक्निकल मैनुअल का आप लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है ना। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।